हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज के इस रेविट ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अगर आप अपने बिल्डिंग एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू में गणेश जी की कोई भी एक 3D स्कल्पचर तैयार करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो, ये चीज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी ये देखने वाले हैं सिंपली, अगर आप एलिवेशंस देखोगे काफी ज्यादा तो आपको कुछ इस तरह से डिजाइन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे गणेश जी हैं या फिर इस तरह से प्लास्टर वर्क के थ्रू क्रिएट किया जाता है ना। डायरेक्टली आप इमेजेस भी लगा सकते हो, ये फ्लावर वर्क्स वगैरह जैसे हैं, राइट। तो ये सारी अगर डिजाइन्स आपको क्रिएट करनी है सिंपल रेविट में तो आप किस तरह से करोगे, ये चीज बताने वाले। उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली गणेश जी 2D PNG इमेजेस हमने यहाँ पे सर्च किया है एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस आ गई हैं। तो हमें यहाँ पे जो इमेजेस चाहिए वो कुछ इस तरीके से इमेजेस चाहिए। मैंने इसको सिंपली डाउनलोड कर लिया है, अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो अब ये सेम चीज ये 2D में है तो एज अ डेकल आप डायरेक्टली इसको प्लेस करा सकते हो, रेंडर करा सकते हो, ठीक है, एक प्रोसेस ही हुआ। बट अगर इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बात करेंगे। सो रेविट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप जैसे ये पार्ट यहाँ पे देख रहे हो, इस स्पेसिफिक पार्ट में हम अपने गणेश जी की 3D कार्विंग्स वगैरह क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जाना होगा इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहाँ पे डेकल पे एंड डेकल पे आने के बाद डेकल टाइप। अब ये जो इमेज है, एक प्रोसेस तो ये है कि आप इमेज को ऑटो कैड में इम्पोर्ट करो एंड उसकी बाउंड्रीज लाइन के थ्रू क्रिएट करो एंड कैड फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट करा के काम करो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी हम डायरेक्टली ये चीज करेंगे, ठीक है। सो डेकल पे आके डेकल टाइप पे जाएंगे सबसे पहले एंड यहां से क्रिएट न्यू डेकल एंड नेम दे देता हूं गणेश जी, ओके। एंड सोर्स जो रहेगा ये हमारा रहेगा डाउनलोड्स एंड ये इमेज को हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। ये इमेज आ जाएगी एंड अगेन यहां से हम ओके प्रेस करेंगे तो ये डेकल सबसे पहले आपका क्रिएट हो गया। अब डेकल को प्लेस करने के लिए अगेन इंसर्ट पे जाके डेकल पे आएंगे एंड यहां से प्लेस डेकल। प्लेस डेकल पे आने के बाद जहां पे भी डेकल प्लेस करना है उस फेस पे जाके जैसे क्लिक करोगे वो डेकल यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। नाउ एस्केप, इस डेकल को सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अभी यहाँ पे सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड मतलब बॉर्डर दिख रहा है, ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट कलर लगा हुआ है। इसको चेंज करके हम रियलिस्टिक लगा लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगी। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं इन डॉट्स से पिक करके आप इसको स्केल कर सकते हो, तो जितना आपको साइज चाहिए उस साइज के बेसिस पे आप इसको सेट कर लीजिए, रख सकते। देन सिंपली यहाँ पे हम जूम कर लेंगे एंड सिंपली जाएंगे आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस पे आने के बाद यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जेनरिक मॉडल एंड यहां पे नेम दे देता हूं गणेश, ओके। एक्सट्रूजन टूल लेंगे, वर्क प्लेन को सेट करेंगे, पिकअप प्लेन पे आएंगे, ओके, और इस फ्रंट प्लेन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। शो पे एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए प्लेन हमारा प्रॉपर सेट है कि नहीं। नाउ अभी जैसे कि आप यहाँ पे PNG इमेजेस में देख पा रहे हो, ये आपके पास एक कंप्लीट क्लोज्ड पार्ट है। तो ये जो क्लोज पार्ट है एक एक करके हमें इसी एक्सट्रूजन को यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट करना है, ये ड्रॉ करना है पूरा वन बाय वन। सो विद द हेल्प ऑफ आर्क टूल स्टार्ट एंड रेडियस एंड यहाँ पे आपको स्प्लाइन मिल जाएगा, इन दोनों टूल की हेल्प से हम यहाँ पे ये कंप्लीट स्केच तैयार करने वाले हैं वन बाय वन। तो सिंपली आर्क टूल लिया हमने यहाँ पे एंड फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक, सेकेंड पॉइंट पूरा आप यहाँ नहीं लोगे क्योंकि आप पे स्प्लाइन शेप में देखो इस तरह से, थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ अप्रोक्स से मिड पे एंड हल्का सा नीचे ड्रैग करके क्लिक, फिर यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, हल्का सा ड्रैग दे के क्लिक, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट समथिंग हेयर एंड ड्रैग दे के क्लिक, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ड्रैग दे के क्लिक, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हल्का सा कर देंगे बस क्योंकि यहाँ ज्यादा नहीं है एंड इस पॉइंट पे आके समथिंग लाइक दिस। यहीं से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है कुछ इस तरह से एंड सेकेंड पॉइंट यहां पे एंड लास्ट में ले जाके इसको क्लोज। तो अगर मैं इसको हिडन लाइन यहां पे लगाऊं तो आपको ये प्रॉपर स्केच यहां पे देखने को मिल जाएगा,
कुछ इस तरह से देख सकते हो। मेक श्योर डैट कहीं पे भी ये ओपन ना रहे, ओपन रहेगा तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे सिर्फ इतने पार्ट को, तो कभी भी पूरे स्केच को एक साथ मत बनाना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कहीं पे अगर गलती हुई तो। एक पार्ट बना लिया एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो अगर आप देखोगे तो ये चीज यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सट्रूड हो गई है। अब एक्सट्रूजन अमाउंट कितना चाहिए, मैंने कहा सिर्फ 2 इंचेस, और यस 2 इंचेस सफिशियंट। ठीक है, सिंपली इसी पार्ट को सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू, एंड अब यहाँ पे हल्का फुल्का आपके बॉर्डर्स मिसमैच होंगे बट कोई दिक्कत नहीं, हमें एक प्रॉपर शेप मतलब मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देन अगेन क्रिएट एक्सट्रूजन, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है क्योंकि हमने पिछली बार सेट कर दिया था, एंड विद द हेल्प ऑफ आर्क टूल स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट रेडियस, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट रेडियस, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड रेडियस। ठीक है, अच्छा फिनिश करने से पहले अगर आप यहाँ पे 2 इंचेस दे दोगे तो अब जब भी आप फिनिश करोगे हमेशा आपको ये 2 इंचेस ही मिलेगा। अगेन सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये 3 पार्ट्स हम एक बार में बना लेंगे, क्रिएट एक्सट्रूजन आर्क फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड कर्व। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट यही अगेन सेम एंड कर्व, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट कर्व, फर्स्ट पॉइंट यहां से आ गया सेकेंड पॉइंट एंड कर्व, फिर इसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट कर्व, फिर यहीं से कंटिन्यू हो रहा है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड कर्व। अगर ये कंटिन्यू नहीं होता है तो मेक श्योर डैट यहाँ पे ये जो चेन का ऑप्शन है इस पर टिक रहा है, अगर टिक नहीं रहेगा तो जब आप आर को फिनिश करोगे तो ये अपने आप कमांड से बाहर आ जाएगा। सिंपली फिनिश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये चीज इस तरह से एक्सट्रूड हो गई। तो सेम पार्ट ये हमें कंप्लीटली करना है एक साथ सारे मॉडल में, तो ये जल्दी जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे हम। लास्ट इस पे जो भी मटेरियल देना है आप कंप्लीट मॉडल को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद मटेरियल्स, एंड मटेरियल्स के बाद आप यहां पे लेट्स से वाइट वॉल पेंट एंड या फिर रेड रखते हैं, चलिए लेट्स से थोड़ा हाईलाइट रखते हैं, कंसिस्टेंट कलर लगा लीजिए वापस, एंड जैसे ही आप इसको फिनिश करोगे प्रोजेक्ट सेव करने को बोल रहा है, क्लोज कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट मॉडल बनकर यहाँ पे 3D में रेडी हो गया। जो डेकल हमने तैयार किया था इसको अभी हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। अभी अगर आपने इसको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लिया है तो इसी फाइल को आप कॉपी भी कर सकते हो किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी सेम स्केल पे। आप ये भी कर सकते हो कि ये जो पार्ट है इसको एज अ प्लांटेशन फैमिली में क्रिएट करिए, क्रिएट करने के बाद उसको स्केल भी कर सकते हो। सो वन टाइम आपका ये प्रोसेस है क्रिएट करना, और दूसरी बार आप इसको कॉपी या फिर फैमिली के थ्रू इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। सो गो टू एंडस्केप एंड यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना एंडस्केप व्यू, क्लिक ऑन स्टार्ट। सो इस पॉइंट पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको डिजाइन देखने को 3D में।
अब उसी फैमिली को हमें अगर लोड करना है, इसको अभी हम डिलीट कर रहे हैं, फाइल सॉरी आर्किटेक्चर कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट लोड फैमिली डेस्कटॉप गणेश ओपन। तो ये प्लांटिंग कैटेगरी में है, अगर आप प्लेस कर भी दोगे ये विजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे विजिबल ग्राफिक्स में प्लांटिंग ऑफ करके रखा हुआ है। तो प्लांटिंग को दोबारा से ऑन कर लीजिए, तो ये फाइल आ गई है। ठीक है, लेफ्ट व्यू मूव दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रंट व्यू लगाकर मूव इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेलेक्ट करके लेफ्ट व्यू अगेन मूव इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रंट व्यू लगाकर मूव दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बाकी जो भी आपने कलर्स मटेरियल प्रोवाइड किया था वही मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई चीज अलग से पूछनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।